कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। फ्लिपकार्ट शुरू कर दिया है बिग बिलियन डे सेल, जो कि 3 तारीख से 10 तारीख तक चलेगा। हम लोग प्लस मेंबर हैं, इसीलिए 2 तारीख से ही हम लोगों के लिए सेल लाइव हो चुका है। अगर आप लोग प्लस मेंबर नहीं हो तो वेट कर लो, 3 तारीख से ही आप लोगों के लिए सेल स्टार्ट होगा। और इस सेल में बहुत सारे स्मार्टफोन के ऊपर भर भर के डिस्काउंट मिल रहा है। एक तो स्मार्टफोन ब्रांड उसके स्मार्टफोन के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, ऊपर से अगर आपके पास एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और काफी अच्छा डील है सच में दोस्तों। अगर आप किसी भी स्मार्टफोन बाय करने के लिए सोच रहे हो तो ये सही मौका है फोन बाय करने का। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो सही डेस्टिनेशन में आए हो। हर बजट में आज इस वीडियो में लगभग 50 स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, और वो हर प्राइस में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले फ्लिपकार्ट ओपन कर लीजिए और यहाँ पे चलिए मोबाइल सेक्शन के ऊपर और यहाँ पे देख लीजिए आईफोन 12 50,000 रुपीज में मिल रहा है। ऊपर से कार्ड वगैरह लगाओगे तो 47,000 रुपीज में मिल जाएगा, अगर आपके पास कार्ड वगैरह रहेगा। ओरिजिनल इसका जो प्राइस है वो 66,000 रुपीज है। किलर फोन है आईफोन, कोई शिकायत नहीं रहेगा। Realme GT Master Edition 20,000 में मिलेगा, 26,000 का फोन। ऊपर से कार्ड वगैरह रहेगा तो 18,500 रुपीज में ये फोन मिल जाएगा, ये भी काफी अच्छा डील है। Google का यहाँ पे Pixel 4a है, 26,000 रुपीज में मिलेगा। ऊपर से कार्ड वगैरह रहेगा तो 24,500 रुपीज में मिल जाएगा, 6GB 128GB Google का फोन, ये भी काफी अच्छा फोन है, फ्लैगशिप के अंदर आता है। ROG Phone 5 यहाँ पे देख लीजिए 49,000 रुपीज में मिलेगा लगभग, मतलब 48,500 रुपीज में अगर आप कार्ड वगैरह रहेगा, वरना 50,000 रुपीज में ये फोन मिल जाएगा। थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे यहाँ पे देख लीजिए पोको X3 यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे 15,000 रुपीज पे मिल जाएगा। दोस्तों ये जो सारे स्मार्टफोन बता रहा हूँ ना, ये जो सारे डिस्काउंट है ये लागू होगा 3 तारीख से। हम लोगों के लिए जो नॉर्मल सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15,000 रुपीज में पोको X3 प्रो मिलेगा, तो काफी अच्छा डील है। ऊपर से कार्ड वगैरह लगाओगे तो और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे पोको C31 यहाँ पे लिखा है 8,000 रुपीज में मिल रहा है, लेकिन कार्ड का डिस्काउंट लगाओगे तो 7,200 रुपीज में ये फोन भारी डिस्काउंट के साथ मिलेगा, और ये मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद सैमसंग F42 5G इसका जो ओरिजिनल प्राइस है 21,000 रुपीज, लेकिन इस सेल के दौरान 16,500 रुपीज पे मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो सारे न्यू लॉन्चेस हुआ है सारे स्मार्टफोन को मैं खुद रिव्यू करूंगा। लगभग 10 स्मार्टफोन मैं ऑर्डर दिया हूँ, न्यू स्मार्टफोन सारे के सारे फ्लैगशिप फोन है, 20,000 रुपीज के ऊपर ही है। तो थोड़ा रुकिए, तगड़ादार वीडियो आएगा बहुत जल्द, थोड़ा रुकिए। आईफोन 12 मिनी यहाँ पे देख लीजिए 35,000 रुपीज से मिलेगा, अगर आपके पास कार्ड वगैरह रहेगा तो काफी अच्छा डील है। रियलमी 8i 14,000 रुपीज में लॉन्च हुआ था, लेकिन इस सेल में 10,800 रुपीज पे मिलेगा, ये भी काफी अच्छा डील है। रियलमी 8S 5G यहाँ पे 15,500 रुपीज में मिलेगा, 18,000 का फोन है। पोको M3 11,000 का फोन है, 8,500 रुपीज में भी ये फोन मिल जाएगा। हॉट 10 प्ले इन्फिनिक्स का यहाँ पे देख लीजिए 7199 में मिलेगा, 999 तो काफी अच्छा भर भर के डिस्काउंट दे रहा है। मोटरोला का भी एक फोन है G60 14,500 रुपीज में मिलेगा, ये भी काफी अच्छा डील है। और यहाँ पे जो सारे स्मार्टफोन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, सारे स्मार्टफोन प्राइस के हिसाब से किलर है। यहाँ पे जो सारे स्मार्टफोन किलर नहीं है उसको मैं स्किप कर दूंगा, या तो मैं बोल दूंगा इसको स्किप कर देना। बहुत सारे लोग आईफोन भी खरीदता है, तो उन लोगों के लिए आईफोन AC भी काफी अच्छा डील है। यहाँ पे देख लीजिए 25,400 रुपीज में मिलेगा, ऊपर से कार्ड का डिस्काउंट लगाओ 1,500 रुपीज तो 23,000 के आसपास ये फोन मिल जाएगा, तो काफी अच्छा डील है। रेडमी 9i यहाँ पे 7,200 रुपीज में मिलेगा। रियलमी C25Y इसको मैं स्किप कर देने के लिए बोलूंगा, उतना अच्छा फोन नहीं है इस प्राइस में, तो और भी बहुत सारे फोन कम प्राइस में मिल रहा है ना। यहाँ पे देख लीजिए ओप्पो का A53S इसको भी मैं स्किप करने के लिए बोलूंगा, अच्छा फोन नहीं है। पोको M2 प्रो ये भी काफी अच्छा डील है, इसको आप ले सकते हो 10,500 रुपीज में, काफी अच्छा डील है। रियलमी 8 14,000 रुपीज में काफी अच्छा डील है, इसके पास जरूर देखना। यहाँ पे देख लीजिए Realme Narzo 50 है, अभी तक एक भी सेल में नहीं गया है, पहली बार सेल में जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए इसका जो प्राइस है वो 11,500 है, लेकिन यहाँ पे कार्ड का डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो 9,600 रुपीज में मिलेगा, तो समझ रहे हो ना भर भर के डिस्काउंट है। यहाँ पे Realme 5i 6,200 रुपीज में मिल जाएगा, डिस्काउंट वगैरह लगाओगे। Moto H20 Pro यहाँ पे देख लीजिए काफी अच्छा डील है, न्यू लॉन्च हुआ है, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो देख लीजिए 37,000 रुपीज, लेकिन इस सेल में 34,000 रुपीज में मिल जाएगा। तो अगर आप Motorola का ब्रांडिंग पसंद करते हो तो इसके पास जरूर देखना।
इन्फिनिक्स हॉट 11, इसको आप मिल जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 8100 रुपीस में, जो ओरिजिनल प्राइस है वो 9000 रुपीस। इन्फिनिक्स के तरफ से ये भी काफी अच्छा फोन है। पोको F62, यार इसको खरीदना मत, ये फोन मिल जाएगा आपको 16000 रुपीस के आसपास। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये फोन इतना घटिया फोन है, इतना ज्यादा लैग होता है, क्या ही बताऊं। कार्ड में लिंक देता हूं, वो वीडियो जरूर देखना दोस्तों। मैं आप लोगों को डिटेल में बताया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है इस फोन में, तो वीडियो जरूर देखना, कार्ड में लिंक मिल जाएगा। ओप्पो F19s, इसको भी मैं स्किप करने के लिए बोलूंगा, उतना खास फोन नहीं है। ऐसे भी मैं मंगा चुका हूँ, रिव्यू वगैरह करूंगा बहुत जल्द, लेकिन ये उतना खास नहीं है। पोको M2 रिलोडेड, ये भी ठीक ठाक फोन है, इसके पास भी देख सकते हो। सैमसंग F22, अगर आप सैमसंग लवर्स हो तो इसके पास देखिए जरूर। नार्जो 30 10800 रुपीस पे मिल रहा है, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 12500 रुपीस, तो इसके पास देख सकते हो, ये भी जबरदस्त डील है। रियलमी नार्जो 35G, ये 13500 में मिल रहा है, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 18000 है, तो ये भी काफी अच्छा डील है, इसके पास जरूर देखना। यहाँ पे देख लीजिए रियलमी 8 5G 16000 में मिल रहा है, तो इसको मैं स्किप करने के लिए बोलूंगा, उतना खास फोन नहीं है। 16000 में अगर 14000 रुपीस में सेल के दौरान आता तो मैं कहता वैल्यू फॉर मनी फोन। माइक्रोमैक्स के तरफ से काफी अच्छा डील है, यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन 2B है, यहाँ पे देख लीजिए काफी अच्छा डील में ये फोन रखा है 8500 रुपीस में। ऊपर से काट का डिस्काउंट लगाओगे तो लगभग 800 रुपीस डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लगा लेना, काफी अच्छा डील है। इन्फिनिक्स हॉट 11s, अभी अभी मैंने रिव्यू किया हूँ, 11500 रुपीस में मैं खरीदा था, लेकिन इस सेल में 9900 रुपीस में मिल जाएगा, और ये भी जबरदस्त डील है। ओप्पो F17 Pro, इसको मैं स्किप करने के लिए बोलूंगा, इसको मैं खरीदने के लिए मना कर दूंगा। ओप्पो A54, इसको भी मना कर दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए पोको M3 Pro 5G, इसको भी आप बाय कर सकते हो, काफी अच्छा डील है, 13000 में ये फोन मिल जाएगा, ये भी काफी अच्छा डील है। यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 10, इसको मैं स्किप करने के लिए बोलूंगा, इसके जगह में आप लोग इन्फिनिक्स हॉट 11s खरीद लो, अगर आप इन्फिनिक्स का फोन खरीदने वाले हो। इससे कम प्राइस है और अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ मिल रहा है, तो क्यों आप लोग ये फोन खरीदोगे। ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G, यहाँ पे देख लीजिए 33000 रुपीस में मिल रहा है, और ये काफी अच्छा डील है। ये इसका जो प्राइस है वो 40000 रुपीस है, तो भारी डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, इसके पास देख सकते हो। रियलमी GT, इसका जो प्राइस है वो भी 33000 रुपीस में मिल जाएगा, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 38000 के आसपास है, तो ये भी काफी अच्छा डील है, इसके पास जरूर देखना, कड़क डील है। यहाँ पे आईफोन 13 दिया गया है, अगर आप आईफोन 13 बाय करने वाले हो तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी काफी अच्छा डील के साथ मिल रहा है। 10000 रुपीस प्राइस घट चुका है इस सेल के दौरान, तो इस फोन को भी आप परचेस कर सकते हो। टेक्नो पोवा का प्राइस देखिए 7200 रुपीस, कैमन 16, ये भी काफी अच्छा डील है। इन्फिनिक्स नहीं, माइक्रोमैक्स का इन नोट 1, ये 9500 में मिल रहा है, इसका जो प्राइस है वो 11000 है, 11500 रुपीस। ऊपर से कार्ड का डिस्काउंट लगाओ अलग से, वो 900 रुपीस मिल जाएगा, लगभग ये फोन आपको 8600 रुपीस के आसपास मिल जाएगा, और कड़क फोन है इस प्राइस में, मैं तो कहूंगा। मोटो E7 पावर, ये भी ठीक ठाक फोन है मोटोरोला की तरफ से, उतना खास नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G, दोस्तों मेरे हाथ में जो फोन है वही फोन है, इसको मैं 38500 रुपीस देकर बाय किया था, लेकिन मेरे जान पहचान था ऑफलाइन स्टोर, तो वहां से बहुत कम प्राइस में मुझे मिल गया था, और इस सेल में आपको मिल रहा है 33500 रुपीस में। तो ये फोन की आप देख सकते हो, काफी अच्छा फोन है, 33000 रुपीस में फोन मिल रहा है, कड़क फोन है, 33000 रुपीस में, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, तो इस फोन को बाय कर सकते हो। लेकिन मुझे 33000 रुपीस में 8GB वेरिएंट मिल गया था, और यहाँ पे 33000 रुपीस में आपको 6GB वेरिएंट मिलेगा, मेरा थोड़ा जान पहचान था इसीलिए मुझे मिल गया था। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो, यहाँ पे देख लीजिए 15500 रुपीस में ये फोन मिल जाएगा, तो ये भी काफी अच्छा डील है। नोकिया का कुछ फोन है, मैं मना कर दूंगा साफ साफ, बाई मत करो, उतना खास नहीं है। तो ये था दोस्तों टॉप कुछ फोन का लिस्ट जो मैं आप लोगों को बताया हूं। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, SRS स्मार्टफोन के बीच में आप लोग कौन सा स्मार्टफोन बाय करने वाले हो, आपका कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मैं भी एक्साइटेड हूं, मैं तो जानू कि कौन कौन सा फोन बाय कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।